हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो फिल्म कर रही हूँ बिकॉज अभी भी आपको लग रहा होगा मेरी वॉइस बहुत ख़राब है। पिछले कुछ टाइम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट येस मैं ट्राई कर रही हूँ दोबारा से यू नो ट्रैक पे वापस आने का। सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं नो मेकअप मेकअप लुक इंस्पायर्ड बाय आलिया भट्ट। एंड रिसेंटली गंगूबाई देखने के बाद ना मुझे आलिया भट्ट से थोड़ा सा ऐसे यू नो ऑब्सेशन सा हो गया कि उनकी लुक्स कैसे वो मेंटेन रखती हैं अच्छे से। तो उनकी काफ़ी सारी लुक्स में मैंने देखा कि वो नो मेकअप मेकअप लुक ज़्यादा प्रेफर करती हैं। सो उसी वजह से मैं आज ही वाली वीडियो करने वाली हूँ यूजिंग ओनली 5 मेकअप प्रोडक्ट्स। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो यू गाइज विल बी नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। आवाज़ ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो प्लीज़ गाइज बेयर विद मी एंड ऐसे भाग में जाना, स्किप मत कर देना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो या लेट्स गो। सो ये वाला लुक है जो मैं अचीव करने वाली हूँ आज आलिया भट्ट का। एंड आई थिंक कि इन्होंने ये मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ मेकअप ही नहीं किया है। सो ये बहुत इजी रहेगा, यानी कि डे टू डे लाइफ में आप इजीली इस मेकअप को कैरी कर सकते हैं एंड लगेगा भी नहीं कि आपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बिकॉज ये फैक्ट है कि मेकअप थोड़ा यू नो स्किन को ख़राब करता ही है। तो बेसिकली अगर आप डेली वेयर में मेकअप लगा रहे हो तो बहुत कम लगाना। तो मैं ये वाला मेकअप लुक आज करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। सो बिकॉज हम ये वाला लुक रिक्रिएट कर रहे हैं तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रखा है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं बट अभी करंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा सूदिंग है मेरी स्किन पे, तो बहुत हल्का सा मुझे ये लेना है और मैं इसको लगा लूँगी पूरे अपने फेस पे अच्छे से। एंड अगर विंटर्स भी हैं, अगर समर्स भी हैं ना, तो आप मॉइस्चराइजर तो ज़रूर लगाओ बिकॉज उससे क्या रहता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है, तो वो बहुत सही रहता है। आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना चाहिए। सो यस, ये लग गया मेरा मॉइस्चराइजर अच्छे से। सो फॉर द सेकेंड स्टेप मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर और ये मैं स्विस ब्यूटी का कर रही हूँ। एंड फॉर द नो मेकअप मेकअप लुक के लिए ना आपको फुल हाई कवरेज यू नो फाउंडेशन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो आप एक हाई कवरेज फाउंडेशन की जगह आप ये कंसीलर यूज कर सकते हैं। सो सिमिलरली मैं यही करने वाली हूँ, जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे बहुत ही नेचुरल है, उनका ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब बहुत ग्लोई लग रहा है, तो उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ करूँगी। एंड कंसीलर मैं लगाऊंगी मेरे अंडर आइज पे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा मैं लिप्स के अराउंड अपने माउथ के अराउंड पूरी मतलब बेसिकली जो जो पॉइंट्स मुझे हाइड करने हैं ना मैं यही लगा लूँगी, और क्योंकि ये हाई कवरेज है तो मुझे फाउंडेशन लाइक वो भी मिल जाएगा, एक लुक भी मिल जाएगा। एंड ये लिटरली बहुत ही अच्छा कंसीलर है। एंड मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड, अच्छे से करना ताकि दिखे ना और मतलब सीमलेस लगे, बिल्कुल एक जैसा लगे। तो ऐसे टैप टैप मोशन में मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड। सो कंसीलर होने के बाद मैं लगाने वाली हूँ ब्लश बिकॉज मैं इसको कॉम्पैक्ट से सेट नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा सा ड्यूई पसंद है। एंड इसमें भी पिक्चर में भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है उनका फेस, तो इसी वजह से मैं कॉम्पैक्ट से सेट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो वो ब्लश जो है वो मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ तो उसी से ही थोड़ा सा सेट हो जाएगा। एंड फॉर द ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट और ये बहुत अमेजिंग है। सो इसको क्या करना है, क्योंकि ये थोड़ा पिंकी पीछे लुक है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लगाऊंगी ब्लश। एंड ट्रस्ट मी, इतना अच्छा आपके फेस पे ग्लो करता है ना, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। सो मैं ब्लश लगा लूँगी ऐसे करके एंड मैं थोड़ा नोज़ पे भी लगा लेती हूँ बिकॉज वो एकदम ऐसे ब्लॉप सा लगता है तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है।
हल्का सा चिन पे, और क्योंकि ब्रश में कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है तो मैं बस इसको हल्का सा ऐसे से पूरे फेस पे ही कर लूंगी। लाइक दिस एंड यू कैन सी द ग्लो। एंड इसमें क्योंकि थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं तो वो हाइलाइटर का भी काम करेंगे, तो आपको अलग से हाइलाइटर यूज करने की जरूरत नहीं है। और एल्स आप क्या कर सकते हो, आप ब्लश और हाइलाइटर ऐसे मिक्स करके थोड़ा थोड़ा ऐसे हाई पॉइंट्स पे इसको लगा दोगे ना तो भी अच्छा लगेगा। लाइक दिस। एंड अगर आप क्रीम ब्लशेज यूज कर रहे हो और या फिर आप लिप एंड चीक टिंट यूज कर रहे हो तो आप वो भी लगा सकते हो, एंड वो भी इजीली सेम आपको नेचुरल ग्लो देगा। बट मैंने क्योंकि सेट नहीं किया है इसलिए मैंने पाउडर और ब्लश यूज किया है। एंड अब मैं क्या करूंगी, इस ब्यूटी स्पंज से इसको अगेन हल्का हल्का सा डैप कर दूंगी जिससे वो इवन आउट लगे एकदम, ऐसा ना लगे कि ब्लश लगा दिया बस थोप दिया अच्छे से। तो हल्का हल्का मैं स्पंज से ही डैप कर दूंगी। एंड इन्होंने आई शेडो यूज़ नहीं किया है बिकॉज ये नो मेकअप मेकअप लुक है, तो इन्होंने डायरेक्टली मस्कारा लगाया एंड बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने मस्कारा लगाया। सो एग्जैक्टली आई एम गोना डू दैट। सो हमने ये वाला लुक अचीव किया है यूजिंग ओनली आई थिंक 5 प्रोडक्ट्स, एंड उसी में ही हमें एकदम सिमिलर लुक मिल गया है। तो मैंने देखा है मोस्टली आलिया भट्ट जो है ना वो बहुत ही सिंपल प्लेन लुक्स रखती हैं अपने, लाइक नो मेकअप मेकअप लुक रखती हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो मेकअप लुक है वो अचीव किया है। सो आई होप आपको पसंद आएगा, एंड वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।